इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आवाज़ में भारीपन कैसे लाएं, बेस कैसे लाएं। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आवाज़ में थोड़ा बेस भी रहना ज़रूरी है, नहीं तो जैसे मेरी जो वॉइस क्वालिटी है इसमें बेस बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरी पतली वॉइस है। तो मैं हर रोज़ रियाज ये करता हूँ, जो मैं करता हूँ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए, म्यूज़िक से जुड़ी हर बात जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएँ हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जाऊं मैं तो बेबलिया रे, जाऊं मैं तो बेबलिया रे, तुम्हें मेरो मन हर लीनो, जाऊं मैं तो बेबलिया रे, जाऊं मैं तो बेबलि, जाऊं मैं तो बेबलि, जाऊं मैं तो बेबलिया। आवाज़ में बेस लाने के लिए लोअर नोट्स का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और एक सबसे बेसिक चीज़ है कि जब भी आप रियाज़ करने बैठिए तो सबसे पहले सीधे बैठिए, ठीक है। भौवेल जो लेटर है ना, भौवेल का प्रैक्टिस कीजिए। कैसे करना है, जैसे सीधा बैठ जाइए, अपने हाथ को ऐसे पकड़ लीजिए, थोड़ा कस के पकड़िए, थोड़ा खींचिए हल्का, सांस अच्छे से लीजिए और जितना हो सके नीचे वॉइस में ए ई आई ओ यू का प्रैक्टिस कीजिए हर दिन रियाज के पहले। उसके बाद फिर रियाज शुरू कीजिए, जैसे मैं ए बोल रहा हूँ एकदम नीचे, जितना नीचे हो सके। अब ई, पूरे एक सांस में एक बार, दो तीन बार भी कर सकते हैं। अब आई, आई, हर लेटर को एक सांस में पूरा लंबा करके करेंगे। उसको दो दो बार, तीन तीन बार कीजिए तो और अच्छा। ये तो हुआ बेसिक, 5 से 10 मिनट इसको कीजिए, उसके बाद रियाज पे जाइए। रियाज का जब आपका होल्डिंग नोट्स जब हो जाए 7-15 मिनट, उसके बाद एक एक सांस में 7 से 7 तक, फिर 7 से 7 तक जो लेसन नंबर 2 है अगर वो हो जाए, सभी लेसन जो है डिस्क्रिप्शन में है, बेसिक सिंगिंग लेसन, वो होने के बाद फिर लोअर नोट्स पे होल्डिंग नोट्स कीजिए। कैसे, जैसे अपने स्केल में सा बजाइए, सा, पूरा एक सांस में। अब नीचे आइए, नीचे जितना नीचे जा पाए गा तक आ जाइए कोशिश करके। पहले अपना स्केल पहचानना सीख लीजिए, उसके बाद कुछ दिन के रियाज के बाद, 1-2 महीने के रियाज के बाद ये कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा अपना स्केल और सब कुछ। फिर आइए नी, फिर आइए धा, पा, मा, गा तक, कम से कम नी करते हैं। इसके लिए सभी लोगों को अपना सारे गामा बजाने आना चाहिए, जो सा है उसके नीचे हम आ रहे हैं। हिल रहा है पा, सीधा करना है पा, और नीचे पा।
इसके बाद गा। गा तक आना थोड़ा कठिन है, फिर भी गा। वैसे फिर ऊपर सा तक जाना है। ऐसे करके प्रैक्टिस करने से गले में बेस आता है, भारीपन आता है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ये सभी चीज़ों पे आप जुड़ सकते हैं, पर्सनल मैसेजेस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद।